मैंने एक कटोरी दलिया ले लिया है, कई हम बनाएंगे दलिया। दलिया ले लिया है, तो दलिया को हमें पानी में डिप कर लेना। इसे हम वॉश करके डिप कर देंगे, अच्छी तरह से वॉश करके इसे हम ग्लास पानी में डिप करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इस तरह से दलिया वॉश करके मैंने डिप कर लिया है, तो इसे 10 मिनट के लिए डिप रहने देते हैं। इसमें मसाले के लिए थोड़ी सी राई ले लेंगे, वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, जैसे गाजर है, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ग्रीन लीव्स, इधर मैंने पैन रख दिया है। पैन गर्म हो रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं, मैंने 2 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। तो मैं बना रही हूँ वेजिटेबल्स वाला दलिया, तो घी को अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं। मैंने राई, काली राई, कड़ी पत्ता ले लिया है, घी गर्म हो गया है, उसमें ऐड कर देंगे राई। राई तड़के की तड़क तड़क, तो राई तड़क रही है, इसके साथ ही इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे प्याज, भून लेते हैं, उसके साथ ही इसमें ग्रीन ऑनियन भी ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं, गुलाबी कर लेंगे। प्याज गुलाबी हो गए हैं तो इसमें हम कैरेट को ऐड कर देते हैं, बहुत ही कैरेट हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। आपको जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप इसमें ऐड करें, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डालें, खूब सारी। साथ ही इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देते हैं, इसे भी भून लेंगे। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ लाल शिमला मिर्च, भून लेंगे। इसमें ऐड करेंगे मसाले, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिल्ली, साथ में गरम मसाला, इसी तरह से भून लेते हैं। मैं बना रही हूँ वेजिटेबल्स वाला दलिया। तो फ्रोजन मटर है, इसे ज़रा गर्म पानी से निकाल लें। चलिए इसमें हम मटर ऐड कर देते हैं, चलिए इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर जो निकालो, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं जिंजर का पेस्ट, इसका पेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट, गार्लिक हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो इसे आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए आपको साबुत यूज़ कर लें, तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं किचन किंग मसाला। वाह, यम्मी यम्मी, ये सारी वेजिटेबल को भून लेते हैं, थोड़ी सी ऐड कर देंगे हींग। वेजिटेबल्स को भून लिए हैं तो इसमें अब ऐड करेंगे दलिया, इसमें ऐड कर देते हैं दलिया। मैंने भिगो कर रखा हुआ है, आप चाहें तो इसे रोस्ट करके रख सकते हैं, पर भिगो के रखिए तो बहुत ही हेल्दी बनता है। चलिए हम दलिया को अच्छी तरह से भून लेते हैं,
तो दलिया को अच्छी तरह से भून लिया है मैंने, तो चलिए इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं बना रही हूँ वेजिटेबल्स वाला दलिया, इसमें एक गिलास भर के पानी का ऐड कर देते हैं। इसमें हम दो गिलास पानी ऐड करेंगे। तो चलिए अब से कुकर को कर देंगे बंद, हमारा यमी यमी सा दलिया तैयार हो जाएगा। में मैगी मसाला हम ऐड कर देते हैं, टेस्ट बहुत ही वाह। चलिए इसके साथ ही तो मैंने ऐड कर दिया उसमें यमी यमी सा मसाला, कुकर को करेंगे बंद। तो अब आएंगी सीटी तो दलिया हो जाएगा तैयार। ये इंतज़ार करते हैं सीटी बजने की।